हम सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी एक दूसरे को डेट किया करते थे और बॉलीवुड की बहुत ही जानी मानी लव स्टोरी हुआ करती थी ये, पर उनका ब्रेकअप जो है वो उतना ही आइकॉनिक रहा है। ऐसी क्या ही वजह आ गई थी कि शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की शादी रातों रात टूट गई, चलिए बताती हूँ आपको खबर विस्तार से। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कछवान और आप सभी का स्वागत है फिर एक बार मूवी सजा में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे और अक्षय कुमार ने डबल डेट भी किया था शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन को। वो रात तक कर रहे थे डेट शिल्पा शेट्टी को, यहाँ तक कि उन्होंने मंदिर में जाकर ये कसम भी ली थी शिल्पा शेट्टी के साथ कि वो बंधेंगे उनके साथ शादी के बंधन में। पर सुबह सुबह उन्होंने कर ली शादी ट्विंकल खन्ना के साथ और उसके बाद शिल्पा शेट्टी जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अक्षय कुमार धोखेबाज है। उन्होंने उसके बाद एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा था कि अक्षय कुमार ने मुझे धोखा दिया है, उनको जब कोई और मिल गई तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, इस बात का बदला समय उनसे जरूर लेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसके बाद मैं अक्षय कुमार के साथ कभी भी काम नहीं करना चाहूंगी। उनकी लास्ट फिल्म थी धड़कन, जिसमें अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी ऑन स्क्रीन हमें लास्ट टाइम दिखे थे। उसके बाद से आज तक उन्होंने एक साथ ऑन स्क्रीन काम नहीं किया है। तो यही है वजह कि शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की शादी जो है वो रातों रात टूट गई और इसीलिए उसके बाद चली शिल्पा और की शादी राज कुंद्रा से। तो क्या लगता है आपको इस ब्रेकअप के बारे में और क्या कुछ है आपकी राय इस पूरे मामले पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको भी लगता है कि अक्षय कुमार, जिनको खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, क्या वो वाकई एक खिलाड़ी थे और धोखेबाज भी थे? क्या कुछ है आपकी राय, कमेंट करके बताना ना भूले। तो शुभ का जवान साइन।